क्रिश्चियन गंगवार है, मैं इस प्रोग्राम का मतलब आयोजक हूँ जी। और ये प्रोग्राम नेशनल आर्ट एग्जीबिशन है, ये प्रोग्राम दो दिन चलेगा जी, 19 और 20 जनवरी। इसमें 11 राज्यों की पेंटिंग आई हुई है, प्रदर्शित हो रही है 11 राज्यों की। 11 तो ये इसका मतलब यूपी से काफी जिलों की आई होंगी। हाँ, मतलब यूपी से तो लगभग सभी जिलों की है, लगभग, और केरल की है, और मध्य प्रदेश एमपी की है, और राजस्थान की भी है, और पंजाब की है, और आपका दिल्ली की दो तीन पेंटिंग है, मतलब 11 राज्यों की पेंटिंग है। एक चीज और पूछना चाहते हैं सर, ये जो अपना बरेली है, जो बरेली के कौन कौन से बच्चों के यहाँ पेंटिंग आपने लगाई? बरेली से कल 25-30 स्टूडेंट है। 25-30 स्टूडेंट बरेली से? बरेली से, बाकी सब बाहर के। अच्छा, बाकी सब बाहर के। बरेली में कौन सा इंस्टीट्यूट की है? ज्योति फाइन आर्ट, ज्योति फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? ये है भूल बरेली, भू बरेली जी। ठीक। हाँ तो भैया, क्या नाम है आपका? रमन गंगवार। रमन गंगवार जी, जी बताइए अपनी पेंटिंग के बारे में। एग्जीबिशन कुछ दिन पहले लगने वाली थी जी, उस समय दीपावली का माहौल था, दिल्ली में सब जगह फॉग और प्रदूषण सबकी सब चल रहा था, उस समय ये पेंटिंग का एग्जीबिशन का प्रोग्राम था, तो हमने उस पर ये बनाई थी। और इसमें है स्वविध्वंस, अपने हाथ से ही अपनी दुनिया को आग लगा रहे, नीचे आग चल रही है, पृथ्वी है, ये भाग रूप बनाया हमने, उसमें एक्सटेंड रखा है, और स्वविध्वंस ग्लोबल वार्मिंग पे, ठीक है, कि उसमें ये था कि इससे हमें बचना चाहिए, हमारा मैसेज ये कहने का मतलब, हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही जिम्मेदार हैं अपने पृथ्वी को, हम जिम्मेदार हैं। ठीक, ओके। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा वाजपेयी है, और हम बरेली के रहने वाले हैं, और मैंने अपनी पेंटिंग में एक लड़की को दिखाया जो कि बहुत एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, जो छोटी छोटी तारी है, उसकी छोटी छोटी डिजाइंस है, एक्चुअली शी ट्राइड टू प्लग द डिजाइंस ऑफ हर स्टार्स ऑफ हर डिजायर, अपनी छोटी छोटी आशाओं को व्यक्ति में कैद करना चाहती है, और ये जो बंदर है हर स्टोरी में एक विलन होता है, तो बंदर विलेन है, हाँ, वो उसका हीरो है, वो कोई दयावान नहीं है कि अब नारी टाइप नहीं है, मतलब चंदा देख के कोई करवा चौथ का पद नहीं रखेगा, नहीं जल रखिए आप, वो तो आजकल का फैशन है, ट्रेंड है, ठीक है। कुमार है, और जो मैंने बनाया ये जो अजय कुमार जी, जी बताइए। हम तो अपने आने वाली जो हमारी जो धार्मिक शब्द है उसे लगभग भूलते जा रहे हैं, अपने धार्मिकता को, तो इसे बनाने का ट्रेड ये है कि जो हमारे जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज के जो लोग होते हैं उन लोगों को हमारे धार्मिक शब्द धार्मिक इतना अच्छा लगता है कि वो लोग उसमें उस रंग में रंग जाते हैं बिल्कुल, तो इसलिए मैंने एक फॉरेन कंट्री लेडी का इसमें फेस आपको शो किया है, इसमें यहाँ पे कोई टैटू ओम त्रिशूल, हाँ, तो यहाँ भी चाहते हैं कि टैटू जो है जनता जो बनाए बनाया है, उस से ये तो इसका एक खुद का वो है, अच्छा खुद का, हाँ, तो आप कुछ ना कुछ मैसेज तो निकाल रहे होंगे इसमें से, कि क्या मैसेज है इसमें से? ये जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, अच्छा अच्छा, जो विदेशी लोग हैं उन लोगों को हमारी जो हिंदू सभ्यता हिंदू जो धार्मिक है उसमें उन्हें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग, हम लोग क्या कहते हैं, हम अपने आने वाले फैशन के चक्कर में अपने एक धर्म को भूलते जा रहे हैं, तो इसलिए जो फॉरेन कंट्री के लोगों को अपने उसमें रंगता हुआ देखा गया है, ठीक, तो इससे हमें ये मैसेज, ये क्या बच्चे स्क्रैचिंग भी है क्या है? नहीं, ये जो हमारा जो रेडियो का शेल होता है, अच्छा, उसको अंदर जो निकलता है उसे पीस के पाउडर बना के फिर उससे किया गया है, ठीक ठीक। हाँ तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकुश प्रजापति है जी, क्या बताएंगे अपनी पेंटिंग के बारे में? सर ये मैंने भारतीय संस्कृति के ऊपर पेंटिंग बनाई है जी, इस प्रकार इसमें मैंने एक दादे पोते के प्रति प्रेम भाव का शीर्षक दिया है जी, जो ये आजकल बहुत कम देखने को मिल रहा है जी, जो ये जो एक मैसेज है जो आपके युवाओं के लिए, ये एक मैसेज है मेरा, संकेत है प्रेम भाव का, प्रेम भाव का जी, दादा के कंधे पर बच्चा जो है मेला वेला देखने के जी 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 जा रहा है, आजकल कहाँ जा पाता है? नहीं जा पाता है आजकल, इतना प्रेम भाव ही नहीं है, बुजुर्गों के प्रति लोग टाइम बिल्कुल दे ही नहीं पाते हैं। ठीक, क्या नाम है सर? विजय भार्गव जी, दिल्ली से हूँ मैं, और ये मेरी पेंटिंग है जो हमारा यहाँ का थीम है बेसिकली नेचर ऑफ कलर्स, तो हमारे नेचर में कितने कलर्स हैं, कैसे कैसे हम लोग उसको प्रयोग करते हैं, तो मेरी पेंटिंग के अंदर वो बताया गया। आपने किस मेथड से बनाई है पेंटिंग? ये एक्रेलिक कलर्स हैं
और फ्रेम जो है वो इसी के अंदर बनाया है, जिससे कि किसी और को फ्रेम करवाने की जरूरत ना पड़े। फ्रेम भी करवा दिया जी। तो कितना कॉस्ट आ गया लगभग, कितना खर्चा आ गया? खर्चा तो खैर डिपेंड करता है कि कौन ले रहा है और क्या है। सो जी ठीक, थैंक यू। हाँ सर बताइए, क्या नाम है? मैं हरमोहन सिंह लखनऊ जी। और ये सर आज हमारी नारी जी बीमारी से लड़ रही है जबरदस्त, तो मैंने इसे अति सुंदरता का जो है प्रतीक माना गया है पूरे विश्व के अंदर। नारी तो नारी के अंदर जो बीमारी की चल रही है वो आज हमारे मुख से भी बहुत ज्यादा जा रही है, हमारे जानवरों में भी जा रही है। तो मैंने सूर्य और इसमें चंद्रमा का रूप दिया है। नहीं, आपने ऊपर ये जानवर क्या दिखाया? जानवर ये जो है एक हिरण, हिरण की तरह ये महिला होती है, इसके अंदर बड़ा जबरदस्त सफर। तो मैं चाहता हूँ कि जो है ये इस पे नवयुवक लोग देखें कि नारी का जो अंदर से दर्द और पीड़ा बीमारियां जो पैदा हो रही है उसे लड़ने की क्षमता कैसे हम उसके साथ सहयोग करें। ठीक, ये मैंने दिखाया। हाँ तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक रस्तोगी है। महक रस्तोगी, क्या बनाया है आपने? हमारी थीम है आतंकवाद के ऊपर। आतंकवाद, तो ये सारे लोग पत्थरबाज आतंकवाद है और ये एक मिरर है जी। ये भारत है, जो आतंकवाद है वो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी जी जी, इसमें हमने ये दिखाया। तो किस मेथड से बनाया है आपने इसे? इसको हमने पेंसिल से स्केच किया है। पेंसिल से स्केच किया है। क्या करते हैं आप? मैंने अभी 12th पास किया है। 12th पास किया है, कौन से स्कूल में? सुदेश भूषण गर्ल्स इन द कॉलेज से। ठीक, वेरी गुड। अभी कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से, किस इंस्टीट्यूट से कुछ सीखा है आपने? कहीं कहाँ सीखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं 12th पास करके आई हूँ। अपने आप सीख के बना दिया? अब ये किसी का हेल्प नहीं दिया, किसी टीचर्स के किसी की हेल्प नहीं है? ठीक ठीक, ओके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा शंकर रस्तोगी जी। रस्तोगी जी बताइए। हाँ, ये मैंने जो शिव जी के ऊपर बनाया है, शिव जी का, ये इसमें जो सांप जो दर्शाए हैं कमल के लोटस के रूप में दर्शाए हैं, ये आध्यात्म मेरी थीम है। इसका आध्यात्म आत्मबोध शिव जी के, जब ये अंतर मन में जब आदमी चला जाता है तो उसमें पूरा ब्रह्मांड को संभालने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। तो उसमें चाहे कितने भी बड़े विषैले खूंखार लोग भी हुए ना, उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उसी चीज को दिखाया, सबका अनुभूति खूंखार रूप में आप क्या प्रदर्शित है? ये सांप को लोग डरते हैं, विषैले रूप में समझते हैं, लेकिन जब आध्यात में जब व्यक्ति हो जाता है तो अंदर अनुभूति हो जाती है, तो उसको भी बस में करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। अच्छा, उससे लोग दूर भागने ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका अग्रवाल। अंशिका अग्रवाल जी, क्या बनाया है आपने? मैंने इसमें बच्चों को जो अभी जैसे रिसेंटली में थोड़ा टाइम पहले पुलवामा हमला हुआ था, तो उसमें मैंने बच्चों का डर शो करा है। जो हमारे देश में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं या जितना कुछ भी होता है, तो उसमें बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वो अपने ही घर में डर डर के रहते हैं। तो देश में शांति बनी रहे तो उसके ऊपर संकेत देते हुए मैंने बच्चों का डर शो करा। बच्चे झांक के देख रहे हैं जी। ठीक, क्या नाम है आपका? सोलेहा। बताइए। सोलेहा। हाँ सोलेहा जी बताइए कि आपने क्या बनाया? मैंने लैंडस्केप बनाया है, कलरफुल लैंडस्केप, जो कि मतलब दुनिया को जो है कलर्ड में दिखाना चाहते हैं, तो कलरफुल लैंडस्केप। कितना टाइम लगा आपको इसे बनाने में? लगभग एक ही दिन, दो दिन लगे। दो दिन में बना लिए। क्या करती हैं आप? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। कौन से, कहाँ पे? जेके चिल्ड्रन एकेडमी। बाहर से आई हैं आप? हाँ, मुरादाबाद। मुरादाबाद से आई हैं। तो क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप अपनी पेंटिंग के थ्रू? मैं बस एक कलरफुल मैसेज देना चाहती हूँ, कलरफुल पूरी दुनिया में कलरफुल। हाँ तो भैया जी, क्या नाम है आपका? सर नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी बताइए। सभी मैंने मधुबनी आर्ट बनाई, जो मधुबनी आर्ट जो बिहार की फेमस है, और इसमें मैंने बनी ठनी शैली है कुछ क्या है? नहीं, सिर्फ बिहार में जो मधुबनी आर्ट है वो वहाँ की जो फेमस है, जो उसी कल्चर में भी उन्होंने वो लिया है। यहाँ पे श्री कृष्ण का महाराष्ट्र लिया गया है, जो इनका पेंट का प्रतीक भी माना गया है। वैसे तो ये उसमें नेचुरल कलर से बनाया जाता है कि जैसे फ्लावर से कलर निकाल के तब, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्रेलिक लिया है, लेकिन वो तो करने बहुत प्रॉब्लम होता है, तो कलर भी एकदम से। तो आप कहाँ से आए हैं? सर मैं काशीपुर से। काशीपुर से आए हैं, तो बिहार की जो शैली आपने सीखी कहीं से? ये स्पेशल शैली होती है बहुत। हाँ सर, स्पेशल होती है वो। मैंने पुष्प पेड़ पौधों फूल पत्ती और पशु पक्षी सब जिक्र होता है। होता है, हाँ सर। इसमें सर नेचुरल से जो जुड़े हुए होते हैं वो सब है उसमें, बाकी फेमस है मधुबनी आर्ट। ठीक,